हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। तो मैंने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाया था वो मैंने बताया था रोटेशन के बारे में। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो मोशंस ऑफ द अर्थ में हम दो मेजर मोशन की बात करते हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन। ठीक है, रोटेशन में हमने क्या पढ़ा था, जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस में घूमता है, यानी मूव अराउंड ऑन इट्स एक्सिस, तो वो हमारा क्या होता है, रोटेशन होता है। जब जो अर्थ है वो मूव अराउंड करता है सन के, तो वो क्या होता है, हमारा रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, रोटेशन के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें कवर की थी, जैसे रोटेशन जो 24 आवर्स में करता है वो रोटेट, यानी जो अर्थ जिसे हम अर्थ डे भी बोलते हैं, 24 आवर्स में करता है। अब जो आज हम पढ़ेंगे वो हमारा क्या है, रेवोल्यूशन है। ठीक है, ये चीज़ हमने की थी, दो टाइप ऑफ द मोशन होते हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन। जो रोटेशन होती है मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन द इट्स एक्सिस होता है, और जो जो रेवोल्यूशन है वो होता है क्या, मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन होता है इन ए फिक्स्ड पाथ और पीरियड, यानी जो ऑर्बिट होता है, और सॉरी पीरियड नहीं, ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि ये देखो यहाँ पे क्या हमारा सन है, बीच में सन, ये जो इधर जा रहा है ना ये आपको दिख रहा है, यही क्या हमारी ऑर्बिट है। ये जो डायरेक्शन, ये पाथ दिख रहा है ना, ये पाथ ही हमारी क्या है, ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट पे ही क्या करता है, जो ये अर्थ है वो मूव अराउंड करता है सन के, तो ये क्या होता है, हमारा रेवोल्यूशन होता है। लेट्स सी रेवोल्यूशन क्या होता है, द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। इट टेक 365 and 1/4 days 1 year टू रिवॉल्व अराउंड द सन। देखो ये कितना, हम क्या मानते हैं कि साल में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। ठीक है, ईयर में, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, लेकिन हमने एक और चीज़ पढ़ी थी लीप ईयर, जिसमें क्या आता है, 366 डेज होते हैं, जो कि 4 साल में 1 बार आता है। तो अब यहाँ पे तो अभी आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि मैम आपने तो बोला 365 डेज होती है ईयर्स में, तो यहाँ पे आपने 1/4 क्यों ऐड किया है। ठीक है, देखो 1/4 क्या है, इसको हम ईजी बनाने के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने क्या कर दिया कि जो 1 साल है वो 365 का हो गया, और जो ये 1/4 है, ठीक है, जो ये 1/4 है इसको हमने क्या किया, जो ये 6 आवर है, 1/4 क्या होता है, 1 डे में कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, राइट। अगर 24 आवर्स को 1/4 से अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना आएगा हमारे पास, 6 आवर्स निकलेगा। तो 6 आवर्स होते हैं, तो वो हमने क्या किया, जो 6 6 आवर्स है ना, उन सबको हमने एक डे बनाने के लिए हमने देखा कि 4 साल के अंदर, 1 साल में 6 आवर्स, सेकेंड ईयर में 6 आवर्स कितने हो गए, 12, फिर थर्ड में 6, फिर कितने हो गए, ठीक है, अब कितने हो गए, 18, फिर 6 करेंगे तो फिर कितना हो गया, 24 आवर्स, यानी 4 साल में एक दिन हमारा कवर हो रहा है। तो वही 4 साल को हमने क्या कर दिया, 4 साल बाद जो ईयर आएगा उसमें हम एक दिन ऐड कर देते हैं, और वही क्या होता है, हमारा लीप ईयर हो जाता है, जिसमें क्या होता है, 366 डेज होते हैं। मुझे मालूम है ये किसी को नहीं पता होगा कि हम 366 डेज क्यों बोलते हैं लीप ईयर के अंदर। ठीक है, हमने 366 डेज पढ़े हैं कि लीप ईयर में होते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि वो 366 डेज क्यों होते हैं, और उसी 4 साल बाद ही क्यों होते हैं, 2 साल पहले क्यों नहीं होते, 3 साल पहले क्यों नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि जो 1 साल में जो जो अर्थ जो हमारा मूव अराउंड करता है सन के अंदर, वो 365 and 1/4 days लेता है। ठीक है, इसलिए हम इसको जो 1/4 days होता है, इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, इन 1/4 days को हम 4 साल में, यानी जो 1/4 days होता है वो हमारा कितना होता है, 6 आवर्स होता है। अब ये 6 आवर्स को हम कहीं पे फिक्स नहीं कर पा रहे अच्छे से, तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या कर लिया, इसको 1/4 को हमने क्या कर दिया, हमने सारे इनको 1 डे बनाने के लिए हमने 4 साल लिए। 4 साल कैसे लिए, जैसे 365 डेज 1/4 days होता है 1 ईयर में, तो हमने 365 डेज ले लिया 1 ईयर का, और जो 1/4 है इसको हम अगले अगले साल में ऐड करते करते 1 डे बना देते हैं, और वो जो 1 डे बनाते हैं वो हम फरवरी होती है ना उसमें करते हैं, जैसे 28 29 डेज। ठीक है, जो फोर्थ ईयर जो फोर्थ जो हमारा 4 साल बाद जो लीप ईयर आता है उसमें हमारी जो फरवरी की डेट होती है वो कितनी होती है, 29 होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो ये 1/4 days है इसी को हम बाद में ऐड कर लेते हैं सारे, यानी जो 4 साल में जो 6 6 आवर्स को ऐड करते हैं वो हमारा 1 डे बन जाता है। 1 डे कैसे बनता है, 24 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं हमारे, फिर वो 24 आवर्स हम जो फोर्थ ईयर उसमें ऐड कर देते हैं, और वही हमारा क्या बन जाता है, लीप ईयर बन जाता है। और वो जो 1 डे है वो हम कौन से मंथ में ऐड करते हैं, वो हम ऐड करते हैं फरवरी में करते हैं। ठीक है,
इट टेक 365 डेज एंड 14 डेज टू वन ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन, वी कंसीडर ए ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली, इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो 6 आवर्स को इग्नोर कर देते हैं और बाद में जाके वो 6 आवर्स को हम सेव कर देते हैं हर एक साल में, यानी एवरी ईयर आर एडेड टू मेक वन डे. हर साल वो ऐड हो जाता है एक दिन बनाने के लिए, जो फिर वो क्या बन जाता है, 24 आवर्स का होता है वन डे. ओवर अ स्पेन ऑफ 4 ईयर्स, यानी 4 साल के टाइम पीरियड के बाद वो वन डे हमारा कंप्लीट हो जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं. दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ द फेब्रुअरी. जो ये डे है वो हम कभी ऐड करते हैं फेब्रुअरी में, यानी देखा होगा आपने कि 4 साल, 3-4 साल तो हमारे 28 ही चलता है, फिर 29 आता है, तो वो 29 यहीं से आता है. दस एवरी फोर्थ ईयर फेब्रुअरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज सच ए ईयर, यानी हर फोर्थ ईयर, यानी जो चौथा साल होता है तब क्या होता है, फेब्रुअरी 29 डेज का हो जाता है. सच ए ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं. द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट. सन जो अर्थ है वो गोइंग करता है अराउंड द सन कौन से में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में. अब देखो इससे हम थोड़ा कब पढ़ते हैं कि हमारे जो सन, हमारा जो अर्थ है उसमें कब समर होती है, कब विंटर होती है, कौन से एरिया में विंटर होती है, कब ऑटम होता है, कब स्प्रिंग होता है, ठीक है, ये सब देखेंगे. जो ये समर सोलस्टाइज, विंटर सोलस्टाइज, ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे डीपली जाके. अभी हम थोड़ा समझते हैं कि किस तरीके से, देखो ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा अर्थ है. 21 जून को समर सोलस्टाइज की बात करते हैं, यानी जो इस वाले में देखो यहाँ पे क्या हमारा, ये हमारा क्या है, एक्सिस है. अब देखो इसकी जो सन की रेज है वो डायरेक्ट किस पे पड़ रही है, ये देखो यहाँ से थोड़ा टिल्टेड वे में ना, ये देखो यहाँ पे टिल्टेड वे में है, तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है हमारा. मान जैसे यहाँ पे इक्वेटर है तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, आर्कटिक सर्कल. अब जो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर, यानी जो ये वाला एरिया है, ये वाला सिर्फ कौन सा, ये वाला, रुको थोड़ा वो हो रहा है, देखो ये वाला एरिया, ये हमारा क्या है, इक्वेटर मान लो उसको, ये हमारा क्या, इक्वेटर. ये जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है, यानी जो अर्थ सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, समर होता है. कहाँ होता है समर, नॉर्थन हेमिस्फीयर में होता है. और ज़्यादातर जो समर, जो सबसे ज़्यादा हीट होती है वो कहाँ होती है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास ज़्यादा होती है, ठीक है. और जो इसके साइड वाला है, जो इधर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जो इधर वाला है वो हमारा क्या हो जाता है, वो विंटर हो जाता है. साउथन हेमिस्फीयर हमारा क्या निकल जाता है, विंटर बन जाता है. इधर जो है ना हिस्सा, ये इधर क्या हो जाता है, हमारी विंटर हो जाती है. क्योंकि देखो ये जो अर्थ की रेज है वो डायरेक्ट किस पे पड़ी, इक्वेटर के पास, यानी ये वाले एरिया पे पड़ रही है. जब वो रोटेट भी तो होता है ना सन, ये अर्थ हमारा रोटेट होने पे वो यहाँ पे है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, समर सोलस्टाइज बोलते हैं. अब देखो ये फिर से, अब यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पे आया. अब इधर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी एक्सिस कहाँ पे, यहाँ पे है. यानी जो सन की रेज है वो कहाँ से पड़ रही है, ऊपर से पड़ रही है. यानी वो क्या पड़ेगी, सब पे क्या पड़ रही, इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ रही है. ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ पे पड़ी है या उस पर डायरेक्ट इस क्या बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर में पड़ रही है. ये क्या पड़ रही है, ये डायरेक्ट इक्वेटर के साइड में पड़ रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटम. और इसको हम इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डेज और नाइट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होती है. यानी जितनी लंबी डे होगी उतना ही लंबा क्या होगी, नाइट भी होगी. और ये कब होती है, 23 सितंबर को. और जो 21 जून में क्या होता है, समर में देखोगे तो क्या होगा, डेज तो बहुत बड़े होते हैं और जो नाइट होती है बहुत छोटी होती है. अब जैसे ये मूव करता है इधर की साइड में, तो इधर आपको मिलेगा विंटर सोलस्टाइज. अब इधर देखो क्या हो रहा है, इधर से जो सन की रेज पड़ रही है वो डायरेक्ट किस में पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ रही है, ठीक है. तो अब यहाँ, सॉरी, समर हेमिस्फीयर में मिली, देखो यहाँ पे ना, ये देखो ये हमारा क्या है, इक्वेटर है, ठीक है. अब इक्वेटर के कहाँ पर रही है, यहाँ पर रही है इक्वेटर के नीचे. तो ये जो इक्वेटर के नीचे वाला एरिया वो क्या होता है, हमारा साउथन हेमिस्फीयर. तो यानी जो इधर जो पड़ रही है सारी रेस वो क्या होगी, समर. यहाँ पे क्या होगा, समर होगा. यानी यहाँ पे डेज क्या होगी, लंबी होगी और नाइट क्या होगा, छोटा होगा.
और जो ये ऊपर का साइड है यहाँ पे विंटर हो जाता है, फिर ये मूव करता है अराउंड करके, फिर देखोगे यहाँ पे वापस अगेन वही सेम कंडीशन। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे नॉर्थन हेमिस्फेयर में क्या हो रही है, यहाँ पे नॉर्थन हेमिस्फेयर में ऑटम हो रहा है। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे डे किससे पड़ रही है, डायरेक्ट लैटिट्यूड से पड़ रहा है यहाँ पे इधर एरिया में। तो अब ये क्या हो गया, साउथर्न हेमिस्फीयर। अब साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या था, ऑटम हो रहा है, यानी जो डेज और नाइट है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। राइट, क्या होंगे, इक्वल। यानी इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, इक्वल। ये कब होता है, 21 मार्च को। आई होप आपको ये समझ आ गया कि रेवोल्यूशन किस तरीके से हो रहा है और कहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है, अब ये समर सोलस्टिस और विंटर सोलस्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।